विश्व कल्याण की भावना को लेकर मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित बसवरिया भौगाची में श्री सीताराम नाम जाप 108 कुंडली है महायज्ञ की भव्य तैयारी 3 माह पूर्व से की जा रही है। जहां सोमवार को लखराम पूजा का आयोजन किया गया, जहां काफी संख्या में श्रद्धालुगणों ने सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य बनाया। सर्वप्रथम विद्वान वैदिकों द्वारा विधि विधान पूर्वक 1.25 लाख महादेव के पार्थिव पूजन सम्पन्न कराया। तदुपरांत भक्तों को पूजा की कथा व महत्ता सुनाई। भक्तों ने बड़े ही ध्यान पूर्वक कथा सुनी और अपना जीवन कृतार्थ किया। अंत में यजमान परिवार द्वारा भगवान की भव्य आरती उतारी गई। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। महायज्ञ संचालक दंडी बालक राघवेंद्र सरकार जी महाराज ने कहा कि विश्व कल्याण, बंधुत्व व शांति की भावना को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज लखराम पूजन किया गया। इससे विश्व का कल्याण होगा और शांति स्थापित होगी, लोगों के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना आएगी। बताते चले कि 29 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत की जाएगी, जिसकी अपनी एक अलग भव्यता होगी, जो 8 अप्रैल तक विधिवत 108 मंडपों में श्री सीताराम नाम जाप चलता रहेगा। मेला समेत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी आयोजक समिति के सदस्यों ने दी। वहीं इस महायज्ञ को सफल बनाने में अध्यक्ष सुमन कुमार यादव, अनिल जी महाराज, सुरेंद्र जी महाराज, सुरेश महतो, नागेंद्र कुमार महतो, रविंद्र कुमार यादव, उत्तम लाल यादव, हरीशाह, ललन यादव, सुमन ठाकुर, बिकाव यादव, संजय यादव, उदीप यादव, बउवेलाल ठाकुर समेत बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग निस्वार्थ भावना से सहयोग कर रहे हैं। बताइए आज क्या कुछ आयोजन है? आज है भगवान की कृपा से, सीताराम सरकार की कृपा से लखराम पूजा है। अच्छा, पहले तो जितने भी हमारे श्रोता है, भक्ता है, सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। और विशेष ये है कि आज भगवान की कृपा से जो ये अखंड 17 दिसंबर से ही चल रहा था, भगवान के अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में, जो आज सारे संपूर्ण ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी मिलकर के लखराम पूजा के अनुष्ठान किए हुए हैं। क्या है लखराम पूजा में, क्या इसकी मान्यता है? 1.25 लाख महादेव को बना करके, निर्माण कर करके उसको पूजा पाठ करेंगे, उस पे अभिषेक करेंगे, उसका बेलपत्र माने सारे विधि विधान करेंगे महायज्ञ स्थल पर। जी जी, आप बताइए यह लखराम पूजा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? ये लखराम पूजा इसलिए किया जा रहा है कि जैसे भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करना था, तो समुन्द्र किनारे बालू का शिवलिंग बना करके वहाँ पर महादेव जी का पूजन किए थे, क्योंकि लंका पर विजय पाना था। उसी प्रकार हम लोगों को आगामी 29 मार्च को कलश शोभा यात्रा है, और 30 मार्च से हम लोगों को सुर और असुर में युद्ध होगा। उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आज हम लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके महादेव जी का पूजा कर रहे हैं। क्या है कुछ है महायज्ञ का के बारे में बताइए, 29 से लेकर के कब तक आयोजन है और क्या कुछ होने वाला है इसमें? 29 को कलश शोभा यात्रा होगा, और 29 को कलश शोभा यात्रा होगा, 30 मार्च से आपको 108 कीर्तन कुंज में सीताराम नाम जाप महायज्ञ प्रारंभ होगा। वह निरंतर आपको 8 अप्रैल तक वह चलेगा। क्या कुछ मेले का भी आयोजन रहेगा? मेले का पूरे आयोजन है, इसमें राम हिलोरा रहेगा, वो नाव झूला रहेगा, आपको क्या कहे वो ऐसे मेला का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो सब रहेगा, वो रासलीला रहेगा, राम कथा रहेगा, भागवत कथा रहेगा, यह सब ज्ञान यज्ञ होगा, वैदिक यज्ञ होगा, नाम यज्ञ होगा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इसमें एक साथ में 5 प्रकार का यज्ञ साथ में चलेगा। श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे? श्रद्धालु से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जो है भगवान के ऊपर आस्था और प्रेम लगा करके आए, और यहाँ बसवरिया भौगाची में यज्ञ को सफल बनाए। विशेष ये है कि हम लोग निरंतर 3 महीना से ये सब जितना देख रहे हैं, सारे बांस, खर, खरी, जलावन, ये सारे को बात व्यवस्था, मंडली जापक भगवान सब आएंगे, जहाँ तहाँ से आएंगे उनके लिए बात व्यवस्था का तैयारी चल रहा है, सरकार के मार्गदर्शन में सारे काम हो रहा। विशेष संदेश यही है हमारे जितने भी सीताराम परिवार है कि मान लीजिए आजकल समाज में क्या है, समाज में दुराचार फैल गया है, भाई भाई में सामंजस्य नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, सास पुतों में लड़ाई है, इसके शांति के लिए ये सब यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, उसके उन्नति के लिए ये सब यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि, विवेक सब आता है।
इसलिए जितने भी मेरा श्रद्धालु भगवान है सबसे मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और यही कहूँगा जितने भी हमारे दूरदर्शन हम आपके माध्यम से देखेंगे सभी को निमंत्रण हकार स्वीकार है। चुलिया नेवार भगवान ने कह दिया हुआ है 29 मार्च को कलश गंगा पूजा होगा। आज लखराम है और 29 को जब गंगा पूजन होगा होने के बाद 30 तारीख से धुन चालू हो जाएंगे। तो आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।